स्कूल में मिली मानव खोपड़ी। स्कूल के अंदर मिले कोबरा, कछुआ और दूसरे दुर्लभ जीवों के अवशेष। स्कूल के अंदर बना था चिड़ियाघर। दिल्ली के प्रसाद इलाके में सभी चीजें फेथ एकेडमी स्कूल से बरामद हुई हैं। तस्वीरों में देखिए, यहां स्टारफिश, जेलीफिश, कोबरा, कछुआ और कई दुर्लभ समुद्री पत्थर रखे हुए थे। सभी को केमिकल डालकर एक जार में बंद कर लेबोरेटरी में रखा गया था। सोमवार की रात पीपल फॉर एनिमल को इसकी जानकारी मिली। उसी वक्त पुलिस, वाइल्ड लाइफ से जुड़े अधिकारियों और पीएफई के सदस्यों ने स्कूल पर छापा मारा। छापे के दौरान एक मानव खोपड़ी भी बरामद की गई। लोग चाहते हैं कि पुलिस इसके अंदर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करे कि कहां से स्कूल प्रबंधक और स्कूल के प्रधानाचार्य का ऐसा लिंक था जो ये लोग मंगाते थे और इलीगल तरीके से डिसेक्शन करते थे। कानूनन किसी स्कूल में मानव खोपड़ी और ऐसे तमाम दुर्लभ जीव जंतुओं को रखना जुर्म है। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन लैब में इन्हें रखे हुआ था। इसी से संबंधित एक अभी नोटिस हाल ही में सीबीएसई की तरफ से एचआरडी मिनिस्टर ने भिजवाया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी स्पेसिमेंस स्कूल के अंदर हो उनको पूरी तरह रिमूव कर दिया जाए। और उसके बावजूद इतना बड़ा क्राइम स्कूल प्रशासन कर रहा था, तो इनके खिलाफ पुलिस द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोग मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, जिसमें सेक्शन 9, 39, 49, 50 और 51 पांच सेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसमें 3 से 7 साल की सजा है और ये पूरी तरह से नॉन अवेलेबल। जब फेथ एकेडमी के प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे किसी कानून की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। फिलहाल पीएफए और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अलावा दिल्ली पुलिस भी विशेषज्ञों की मदद से जानकारी जुटाकर जांच कर रही है।